सेफ नगरी ऋषि के आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आओ स्कूल पे चलते हैं। यह श्री राम स्कूल ज़्यादा मैं आगे जाने का मूड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, जो था यही था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा क्राउड है ना? मेरे ख्याल से पैदल से ज़्यादा बाइक आ जा रही है। नेशनल हाईवे जैसा क्राउड है इधर। नेक्स्ट देखते हैं कुछ यहाँ का लोकल फूड एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपन। ये यहाँ का लोकल मार्केट जैसा कुछ। लोकल कपड़े उपड़े की दुकान है, ये माला और अंगूठिया वगैरह लेना चाहिए। ये लेगा जी में स्नान तो संभव हो नहीं पाया इस कड़ाके की ठंड में। थोड़ा बहुत पाप काटने के लिए पानी छींटने की कोशिश करते हैं। अभी हम गंगा जी के किनारे बसे एक और घाट पे आ चुके हैं, प्रेम प्रकाश घाट। गंगा जी का कल कल बहता हुआ पानी, बहुत ही ज्यादा मनोरम दृश्य। इस भरेगा कहाँ से? यही भर लेना आगे सीधा। देख संभल के उधर जाना, पत्थर चिकना है। हर हर गंगे।
वो देखिए सामने से, वो एकदम हिमालय तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है हिमालय से निकल के नदी बह के चली आ रही है। ये ऊपर रास्ता है और ये है घाट श्री प्रेम प्रकाश। ये अपन पहुंच चुके हैं हरिद्वार, प्रेम प्रकाश घाट पे है गंगा जी के किनारे पर। ये देखिए बहुत सुंदर, और इन नदी का पानी अगर आपने छू लिया मज़ा ही आ जाएगा, एकदम रिफ्रेशिंग। अभी मैंने जल भरा है यहाँ से, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रकाश आश्रम भी है देवपत वाला का, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे हैं। गंगा जल से स्नान भी करा सकते हैं यहाँ लोग शिवलिंग को, अपनी अपनी आस्था के अनुसार गंगा जल भर के ला के स्नान कराते हैं। ये देखिए भोलेनाथ को, ओ माय गॉड मैन, देखो ये देखिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये गंगा जी का डैम है, गंगा जी मतलब बना हुआ, शंकर जी का सबसे बड़ा महामंत्र जय माता दी। ये देखिए पानी की रफ्तार देखिए, खाली ये पुल देखिए और पानी की रफ्तार देखिए, वाह मैन वाह। केदारनाथ जैसा, जैसे केदारनाथ पे जब वो आया था सैलाब आया था, कुछ इसी प्रकार की लहरें थी, एकदम नीला पानी और इतनी तेज लहरें, बीच में शंकर जी की प्रतिमा है शायद, और यहाँ पे एक बड़ी सी शंकर जी की प्रतिमा है, ये आप देखिए स्वामी विवेकानंद पार्क। ये है भीम घोड़ा बैराज, शायद इस डैम का नाम है भीम घोड़ा बैराज। ये गंगा जल रखने के लिए यहाँ पे, ये गंगा नदी है और यहाँ से गंगा जल ले जाना है, भी आप चाहते हैं तो वो सामने भी देख सकते हैं रखे हुए हैं, और ये रखे हुए हैं एक लीटर आधा लीटर के डिब्बे, इनमें आप गंगा जल भर के और अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आप सामने देखिए, नज़ारे दिखते रहते हैं तो सफ़र में थकान का पता नहीं चलता, नज़ारों की वजह से ना मुझे रोड ट्रिप करनी ज्यादा पसंद है कंपेयर देन फ्लाइट या ट्रेन या। ये देखिए गंगा नदी का रौद्र रूप, केदारनाथ जैसे, जैसे केदारनाथ पे जब वो आया था सैलाब आया था, कुछ किसी प्रकार की लहरें, नीला पानी इतनी तेज लहरें, बीच में शंकर जी महाराज, और यहाँ पे एक बड़ी सी शंकर जी। ये बहुत बड़े शंकर जी की प्रतिमा,
व्यवहार करो। कुछ नहीं, ये इधर नदी है, ये बांध है, वहां पे लगाता हूँ ना। अब हम फिर से निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि कल थोड़ा सा काम है दिल्ली में और अगर लेट हो जाएगा तो वो मिस हो सकता है। तो हम आज ही निकल चुके हैं, देखते हैं 225 किलोमीटर है यहाँ से, देखते हैं कितनी जल्दी कवर कर पाते हैं। माँ गंगा कितना चौड़ा, कितना बड़ा घाट है।
नहर आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा रोड, धुंध बहुत सारी है और गाड़ी तो खैर चल ही रही है। रात का सफ़र होता है ना, वो इतना सुकून भरा होता है, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि सुकून भरा है, बट हाँ मज़ेदार ज़रूर है।